दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी, आप सिंपल ब्लाउज कट कर लेते हैं फिर चाहते हैं इसको प्रिंसेस कट में कन्वर्ट किया जाए, तो आज मैं आपको बताती हूँ बिना कट किए हुए भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अभी बताने वाली हूँ कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए, ये मैंने ब्लाउज कट कर लिया है, ये हमारा 36 साइज का ब्लाउज है और देखिए 14 इंच लंबाई ली है मैंने। आप अपने साइज के अनुसार कर सकते हैं। तो इसको हम उल्टा करते हैं, सेंटर से 4 इंच ले लें और ऊपर से ले शोल्डर से 10 इंच और नीचे प्लेट के लिए लेंगे हम 5.5 इंच। ये पूरा हमने 5.5 इंच लिया है और इसमें हमारी 2 इंच की प्लेट आ जाएगी, तो 3.5 इंच ये साइड में बचेगा और 2 इंच की ये प्लेट आ जाएगी। अभी हम मुड्डे की तरफ लेते हैं, यहाँ पे 5.5 इंच ले लें। अब इन तीनों प्लेटों को हम इस तरह से सेट करेंगे। अभी हम यहाँ पे सिंपल सिलाई डाल लेते हैं जैसे कि ये लाइनिंग के साथ सेट हो जाएगा। ये लाइनिंग वाला है, ऑलरेडी मैंने चारों तरफ से स्टिच कर लिया है लेकिन ये बीच में अलग है। अभी तो मैंने ये लाइनिंग वाला ब्लाउज है इसीलिए इसको सेट करने के लिए मैंने बीच में सिलाई कर दी है, दोनों पार्ट सेट हो गए। नहीं तो क्या है, प्लेट हमारी दोनों पार्टों में बराबर से नहीं आती है। सबसे पहले हम नीचे एक प्लेट डालते हैं। देखिए हमारी नीचे की प्लेट कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमने जो यहाँ पे मार्किंग की है और सिलाई डाली है इसी को प्लेट को हम इस तरह से लेते हुए इसके साथ सेट कर देंगे। देखिए मैंने ये स्टिचिंग डाल दी है, अभी हम इसको सीधा करते हैं। और अभी देखिए सीधा करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा कप बनकर तैयार हो गया है। एक प्लेट हम यहाँ पर डालते हैं पट्टी साइड में, क्योंकि ये पट्टी बहुत ज़्यादा रहती है तो अच्छी नहीं लगती है। एक प्लेट डाल देंगे, थोड़ा ठीक लगेगा। तो यहाँ से मेजरमेंट लेंगे हम 3.5 इंच। और जो 3.5 इंच हमने लिया है यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लें। तो देखिए प्लेट हमने डाल दी, तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर कप बन के तैयार हो गया। अभी जैसे यहाँ पे हम फिनिशिंग देते वैसे दे देना, और कमर में फिनिशिंग देंगे उसके बाद नेक पट्टी। तो जैसे नॉर्मल आप नीचे फिनिशिंग दे उसी तरीके से दे दें, और सेम उसी तरह आप जैसे हुक पट्टी तैयार करते हैं वो भी इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ये पट्टी कट कर ली और यहाँ से यहाँ तक इसको स्टिच कर दूँगी। ये जो प्लेट डाली है यहाँ पर भी एक प्लेट डाल लें, जिससे क्या है खिंचाव नहीं रहेगा, परफेक्ट इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। मैंने सिलाई डाल दी है, अभी यहाँ पे पलट के आप चाहें तो यहाँ पे तुरपाई कर सकते हैं। मैं भी फिलहाल सिलाई डाल देती हूँ और इसी तरह मैं नीचे भी फिनिशिंग दे दूंगी। तो देखिए मैंने सेम नीचे भी इसकी फिनिशिंग दे दी है। अभी हम नेक की फिनिशिंग देते हैं, तो मैंने क्रॉस में पट्टी कट कर ली है और सेम हम इसको नेक में भी अटैच कर देंगे इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे कट स्टिच किया था। तो देखिए ये पट्टी भी मैंने तैयार कर दी है और इसमें हम यहाँ पर इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर तुरपाई कर देंगे अंदर की साइड में, तो इसका लुक देखिए इस तरह से आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने प्लेट डाल के कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये प्रिंसेस कट में कन्वर्ट कर दिया है। तो देखिए ये पीस मैंने पूरा तैयार कर दिया है, नेक पट्टी लगा दी है, यहाँ पर मैं तुरपाई कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारा। तो आप नॉर्मल ब्लाउज को प्रिंसेस कट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।